टाइम मुंबई न्याय यात्रा पे आप निकले हैं, इसका मकसद? मुंबई न्याय यात्रा में हम लोग इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से मुंबई तक थी, और उसमें हमने लोगों को जोड़ने का काम किया, लोगों की बात सुनने का काम किया, और जिस तरह से आज एक नफरत का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों की कोशिश है, उसके खिलाफ हमें मोहब्बत बांटना है, प्यार बांटना है, ये हमारी एक जो है ये हमारी कोशिश है। हम हर जगह पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं कि मैं लगभग 20-22 असेंबली में अभी तक ये रैली रोज कर रही हूँ, आज अनुशक्ति नगर में आई हूँ और रैली की समाप्ति हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने भी देखा होगा जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है और जिस तरह से लोग हमारे महाविकास आघाड़ी पर कांग्रेस पार्टी हम जो रैली करते जा रहे हैं, हम मुंबई के सवालों के ऊपर भी बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि मुंबई में रोज ट्रेन के एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत होती है, दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार में 10 साल से इनकी सरकार है, अभी तक उसका कोई जो है वो कोई भी उपाय योजना नहीं की गई है। साथ साथ में मुझे ये भी कहना है कि मुंबई में हर दिन 2 महिलाओं के ऊपर बलात्कार होता है, 6 महिलाओं के ऊपर मर्डर होता है। अब आपको मालूम है कि ठाणा जिले में 7 महीने में जो है 57% क्राइम बढ़ गया है। हम कह रहे हैं कि 9 जुलाई को भी वहाँ पे 30 साल की महिला का जो बलात्कार है वो जो है वो मंदिर में हुआ। उसके बाद 11 साल की लड़की का बलात्कार हुआ। परसों एक सिविल हॉस्पिटल में 12 साल की लड़की ने कहा उसका मोलेस्टेशन हुआ। एक स्कूल में 2 लड़कियों का जो है वो बलात्कार हुआ और जिसकी केस दर्ज करने के लिए लगभग 1 दिन बिल्कुल दर्ज नहीं हुई, और जिस दिन माँ दर्ज करने गई तो 11 घंटे प्रेगनेंट माँ को बिठाया गया। ये पहली बार इस तरह से जो कार्रवाई हुई है, और हम देख रहे कि कल 2 दिन में भी आप अगर देखोगे तो चाहे वो अकोला रहे, चाहे वो मुंबई के अलग जगह रहे, पूना के अलग जगह, ये बलात्कार होते हैं। और महिलाएं जिस तरह से आज असुरक्षित है, आज हम बात करेंगे ट्रेन में महिलाएं सुरक्षित है क्या, मंदिर में महिलाएं सुरक्षित है क्या, अस्पताल में महिलाएं सुरक्षित है क्या, स्कूल में बच्चे असुरक्षित है क्या, तो ये वातावरण अगर किसी ने करने में कोई असफल रहा है तो राज्य की सरकार रही है। तो कल और आज हम ये न्याय जो कर रहे हैं, ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जब हमारी माता का स्वाभिमान हमें बचाना है, हमारी बहनों का जो है उनको हमें जो है वो सम्मान देना है, और हमारी बच्चियों को हमको रक्षण देना है। ये 3 चीजें हम लेके चल रहे हैं, हम लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा नारा है और जमीन पे जाके काम करेंगे। मैडम, दो सवाल। एक तो जो है नफरत का वातावरण है, जैसे पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है, एक महाराज जी भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी प्रोफेट के बारे में एक ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट में कई FIR हो चुकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से माइनॉरिटी को क्या सपोर्ट मिला? बिल्कुल, हमने इसके हमारे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष पर हमने भी इसके मामले में जो है वो कंप्लेंट, जैसे आपने सही कहा कि कंप्लेंट बहुत सारी जो है वो FIR के लिए हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में दे के आए हैं, और उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय का एक स्टेटमेंट था वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और आप अगर देखोगे तो पिछले दिनों में चाहे वो कोल्हापुर के विशालगढ़ की बात हो या मुंबई में धारावी में जो घटना हुई, जिसको चीज़ कोई और थी और उसको बाद में एक जातीय रंग देने का काम हुआ, कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये है कि मुंबई और महाराष्ट्र जो है उसको हम जातिवाद में 2 विभाजित करके कहीं आग लगाने की तो इनकी साजिश नहीं है, और ये हम सबको समझना पड़ेगा। मुझे सभी जात धर्म के लोगों से इसके लिए रिक्वेस्ट करनी है, विनंती करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे आके भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक आके, MLA आके वहाँ पे प्रशोधक भाषण करते हैं, जात जात में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। कायदा सुव्यवस्था रखना काम किसका है? सरकार का है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी नैतिक जवाबदारी वहाँ के MLAs की है जो BJP के है, जो एकनाथ शिंदे ग्रुप से है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बार बार ये बोल रहे हैं। अगर आप इसके संशोधन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो सर्वे आया है उस सर्वे में इनको 60 सीटें बोले हैं, तो ये डर गए हैं। और इनको जो लोकसभा का भी रिजल्ट आया है, जहां हम लोग बैठे हैं, अनुशक्ति नगर हो या चाहे कहीं भी हम लोग देखे मुंबई में, 6 में से लगभग 5 सीटें हम जीते, तो इनको ये डर हो गया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई है तो हम इसको कैसे पोस्टपोन करें। तो एक जात धर्म का माहौल करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डर है कि ये इलेक्शन जो हरियाणा का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, जम्मू कश्मीर का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? तो इनकी सोच क्या है? तो ये विशालगढ़ हो या चाहे वो मुंबई हो या चाहे प्रोफेट पैगंबर की बात हो, ये सब जो स्टेटमेंट है ये सोची समझी साजिश है, जात जात में धर्म में झगड़ा लगाने की इनकी कोशिश है। हमें बहुत सावध रहना है, हमें इनको दिखाना है नवंबर में इलेक्शन होगा, हमें बिल्कुल याद करके ये सब चीजों को दिखाना है, और हमें शांति से किस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार लाए। कांग्रेस ने क्या इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है? बिल्कुल। अभी देखिए, आज मुझे तो ये आश्चर्य लगा कि आज सदावते जी हाईकोर्ट में गए। सदावते जी किससे निगड़ी थे, ये उनके श्रद्धेय कौन है ये मुझे बताने की तो महाराष्ट्र की जनता को जरूरत नहीं है ना। सदावते के श्रद्धेय कौन है? देवेंद्र फडन
बनर्जी जी। अब ये जो कल महाराष्ट्र का जो महिलाओं ने कहा था, जो बच्चियों की सुरक्षा की बात करने के लिए जो बंद का आह्वान किया था, ये तो कोई पार्टी का नहीं था ना, ये तो जन सामान्य का रोष था। जो उस दिन बदनापुर में लोग बाहर आए वो कौन थे? वो पालक थे। अगर 11 घंटा एक प्रेग्नेंट औरत पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए, जिसको हाई मतलब कोर्ट ने भी फटकारा, पुलिस को भी उसमें फटकारा, क्यों फटकारा? राज्य सरकार को भी फटकारा, क्यों फटकारा? क्योंकि जिस तरह से उस मैटर को, इस मामले को पूरा हैंडल किया गया, क्योंकि वो स्कूल आरएसएस और बीजेपी से निगड़ित था। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा और जनता को ये समझ के, अभी कल के जो बंद है ये किसी पार्टी का बंद नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए हम कह रहे हैं। जब मुंबई में घटना हो रही है, पुणे में घटना हो रही है, अकोला में घटना हो रही है, थाना में घटना हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, आज हम दूसरे नंबर पे है देश में महिला क्राइम में, तो आपको जिम्मेदारी नहीं लगती? राज्य की जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस क्या कर रही है इस जो बलात्कार के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो हमने तो महाविकास आघाड़ी ने बैठ के उस कमेटी में, मैं भी थी, वो अनिल देशमुख साहब की, हमने वो शक्ति कायदा बनाया। अरे कम से कम बिहार से और आंध्र प्रदेश के सरकार से कुछ तो सीखो, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है केंद्र की सरकार को, तो उनका फंड भी मिला है। हमारे दो राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पार्टी तोड़ के गए, चिन्ह छुड़ा के चले गए, और अभी क्या लेके आए? ना एक रुपए का फंड लेके आए महाराष्ट्र के लिए, ना एक कायदा लेके आए पास करके शक्ति का। अगर शक्ति कायदा पास होता है एक मत से विधानसभा में पास किया गया है, तो उसको लागू क्यों नहीं हो रहा है? महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों इसके ऊपर मतलब जाके केंद्र सरकार उनको क्यों नहीं कह रहे? तो हमारा कहना ये है, ये सवाल के कई मुस्लिम एनजीओ की तरफ से ये बात कही जा रही है कि लोकसभा हुआ उसमें 48 एमपी में से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं, उसके बाद में विधान परिषद में भी एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, क्या लोकसभा उनकी डिमांड ये है कि 15% रिजर्वेशन पॉलिटिकल? देखिए ये है कि महाराष्ट्र से हमने जो राज्यसभा पे भेजे थे उनका नाम इमरान प्रतापगढ़ी था, कहीं तो आप लोग को डेटा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और किस कुछ चीजें आपको बोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, और आज भी हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सबको प्रेजेंटेशन मिले। आखिर में जो भी इलेक्शन लड़ता है, हम तो कहीं हमेशा कहते हैं, चाहे वो बोर्ड के बिल की बात हो, पहली बार 10 साल में आपको सबको बोलना पड़ेगा कि 10 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी के पास कोई विधेयक गया तो वो वक्फ बोर्ड का विधेयक, तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। कांग्रेस का कौन चेहरा होगा यहाँ से? कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? वो तो वक्त आएगा तो पता चलेगा, पहले तो सीट अलायंस में कैसे होती है उसके बाद हम तय करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर माझी लाड़की बहन ये योजना चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बहन जो है वो सुरक्षित नहीं, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो खुद बहने कह रही है हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। भाई आज भी महाराष्ट्र में एक बच्चे की हत्या हो गया, बिल्कुल आज भी हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन औरत तो थी, मगर स्टेशन तो था, ठीक है। अभी परसों कलीना में हुआ, वो तो आप बोलेंगे ना, वो तो नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे, कार में नहीं हुआ क्या? मुंबई में कितने हुए, अकोला में कल क्या हुआ है? तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है ना। और जब हमारी बात यह है कि हम महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव राज्य कहा जाता है, जो गांधीजी सावित्रीबाई फुले का राज्य कहा जाता है, राजमाता जिजाऊ का कहा जाता है, जहाँ पे शोभा बने, हम महिलाओं की इज्जत करने वाला राज्य है, और ऐसे में अगर ऐसी घटना होती है तो उसका निषेध करना चाहिए, और उसके लिए रस्तों पे उतर के लोगों ने बंद करना चाहिए। ये मेरा सबसे आह्वान है। साहिब भाई जो न्याय यात्रा छिंदवाड़ा में निकाली गई थी, वर्षाताई गायकवाड़ यहाँ पर जो आए थे, क्या मकसद था इस न्याय रैली का, असल में क्या मुद्दा क्या था? मकसद ये था, असल में आपने देखे कि जिस तरह से लोगों का एकदम रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ कैसा है, आम जनता ने कैसा जिस तरह से सपोर्ट किए कांग्रेस पार्टी को, आम जनता से लेकर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब ने आके ताई से मिले हैं, कांग्रेस पार्टी पे भरोसा दिखाया गया। सर ये न्याय यात्रा थी या कोई पॉलिटिकल स्टंट था? नहीं नहीं, न्याय यात्रा थी। न्याय यात्रा, तो ये न्याय यात्रा से मतलब क्या फायदा होने वाला है अभी आगे, लोगों को क्या फायदा होने वाला है? आने वाली विधानसभा, अपना आने वाली विधानसभा में आप देखेंगे सर क्या होगा। साहिल भाई, जिस तरह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर 15% जो आजादी है मुसलमानों की, उस हिसाब से विधानसभा में सीट मांगी जा रही है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में इतनी एक भी सीट नहीं दी गई थी, क्या इस विधानसभा में इस पर विचार होगा? इंशाल्लाह इस विधानसभा में अच्छा होगा। और जिस तरह से नारी और बच्चियों को लेकर जो बलात्कार हो रहे हैं, इस पर क्या कांग्रेस का? हमारे पार्टी की तरफ से कड़ी निंदा है, कड़ी शब्दों में निंदा है ये सब चीज़ों के लिए, और अभी बड़े हाईकमान इसके ऊपर ये करेंगे। असल में हमेशा से जो है देखा गया है कि इलेक्शन करीब आने के वक्त ही जो है ये रैली और ये मोर्चा निकाला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते आ रहे, मैं और मेरी पार्टी के लोग कई टाइम से यहाँ पर आना जाना है, आम जनता से कनेक्ट है डायरेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है,
और जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं जैसे इलेक्शन के टाइम पे जमीन पे उतरते, हमारा वैसा नहीं है। इलेक्शन आने से पहले हम जमीन पे पहले से उतरे हुए। तो कांग्रेस का जो कैंडिडेट यहाँ से एमएलए इलेक्शन में, क्या लगता है आपको, कोई टिकट मिल सकती है? जिसको हाईकमान चूज करेगी हम उसको जरूर सराएंगे। और जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर बिल पास होने की बात की जा रही है, तो उस पर आप लोगों का कैसे आएगा? हाईकमान देखेगा, उसके ऊपर सोचा जाएगा, हाईकमान बात करेंगे। भाई क्या कहेंगे, न्याय यात्रा जो निकाली गई थी यहाँ पर, काफी लोगों में जो है जोश देखा गया, क्या मकसद था इस यात्रा को निकालने का? चिता के मिला चिता के मैंने सारे मुंबई में न्याय यात्रा निकाला गया, हर रोज कोई ना कोई इलाके में विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा निकाला जा रहा है, विधानसभा क्षेत्र में। बोलने का मतलब ये है कि जो 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 रूलिंग पार्टी है जो गड़बड़ कर रही है, भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन हो रहे हैं, अदानी बिल के विरोध में, न्याय मिलना चाहिए, लोगों का हक मिलना चाहिए, लोगों के साथ में दुष्व्यवहार किया जा रहा है वो मिलना चाहिए, उसके लिए ये न्याय यात्रा निकाला गया। जितनी भी कांग्रेस की जो टीम है उनसे क्या कहेंगे, आने वाले इलेक्शन में किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की यहाँ पर अनुशक्ति विधानसभा में रहने वाली? अनुशक्ति नगर विधानसभा महाविकास आघाड़ी के थ्रू से लड़ रही है, हमारे हाईकमांड डिसाइड करेगी कौन से युति में कौन से पक्ष को टिकट मिलता है, और जिसको भी उम्मीदवारी दिया जाएगा ये कांग्रेस पार्टी करके ने महाविकास आघाड़ी के तीनों पक्ष के लोग मिल के खड़ेंगे और उस उम्मीदवार को जिताएंगे। महाविकास आघाड़ी जो है माइनॉरिटी को हमेशा से सपोर्ट करती आई है, तो चिता कैम इलाके से और अनुशक्ति नगर इलाके से काफ़ी जो ऐसे कैंडिडेट है जो माइनॉरिटी से आते, तो कांग्रेस यहाँ से क्यों मतलब अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है? महाविकास माइनॉरिटी के ऑलरेडी कैंडिडेट यहाँ से है, उसके बावजूद ऐसी कोई बात नहीं, हर पक्ष में जब पर महाविकास आघाड़ी से पहले से जो हमारे कैंडिडेट लड़ते आए इस बार भी हमारे बताएंगे कि कांग्रेस के थ्रू से इस वार्ड में माइनॉरिटी की आबादी होने की वजह से यहां पर एमएलए की टिकट जो है उम्मीदवारी माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा दावा रहेगा, बाकी का हाईकमान डिसाइड करेगी। पिछली बार जिस तरह लोकसभा के चुनाव में चिता कैम की आवाम ने बड़ा भारी समर्थन दिया था महाविकास आघाड़ी को, क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में भी चिता कैम की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ 101% देगी? महाविकास आघाड़ी को जिस तरीके से मुसलमानों ने जिताया था, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है अनिल देसाई जीत कर आए थे, जीतने के बाद अनिल देसाई यहाँ पर नजर नहीं आए, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं, पीछे पीछे बहुत सारे काम उनके होते हैं, संपर्क में कार्यकर्ताओं से संपर्क हो रहे हैं, यहाँ का हालचाल जान रहे, मालूमात करके ले रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर वो आ भी रहे हैं। इसका सीधा साधा मिसाल है, हमारे वर्षा गायकवाड़ भी हमारे एमपी हैं, हमारे मुंबई के क्षेत्र में बांद्रा अंधेरी के, तो यहाँ पर आए, शुरुआत हो गई, एक एक करके जो हमारे अभी कुछ ही पल में या कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द अनिल देसाई सब भी आएंगे संपर्क में। जिस तरीके से चिता के इलाके में नशा जो है एकदम आम होता हुआ नजर आ रहा है, उससे क्राइम बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, काफी मर्डर हो चुके हैं, महाराष्ट्र नगर में जो है एक बच्ची का जो है बलात्कार भी हुआ था, फिर लाल मैदान में एक मर्डर हुआ था, फिर डी सेक्टर में मर्डर हुआ था, 10x10 में मर्डर हुआ था, कांग्रेस उन सब चीज़ों में क्राइम को रोकने में आगे क्यों नहीं आया? हमारे महाविकास आघाड़ी की एक शिष्टमंडल बैठी है, उन्होंने अपना निवेदन दिया है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कड़क कुछ कायदा बनाए जिससे कि इसको रोका जा सकता है। अच्छा, बलात्कार के ऊपर जो है एक सख्त कानून जो है बनाना चाहिए, सरकार से कांग्रेस क्या मांग करी है इस बारे में कि सख्त कानून बनाए? सख्त का उम्मीद जो सही आरोपी है उनको गिरफ्तार कर